हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट टू इंग्लिश लिटरेचर, नए सत्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू द न्यू सेशन 2021-2022। आपके लिए दिए हुए कोर्स शुरू करने से पहले हम कुछ लिटरेरी टर्म्स को सीखेंगे। लिटरेरी यानी कि साहित्यिक, टर्म्स यानी कि शब्दावली। सो जो पहली लिटरेरी टर्म आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड है, ये सिलेबस में दिया हुआ है, वो है ट्रेजेडी। फर्स्ट लेट अस लुक एट द डेफिनेशन ऑफ What is tragedy? Tragedy is a type of drama that presents a serious subject matter about human suffering and corresponding terrible events in a dignified manner. Tragedy शब्द का को अगर हम हिंदी में समझें तो साहित्य की दृष्टि से इस शब्द को नाटक में यूज़ किया जाता है। वो नाटक जिनका विषय वस्तु गंभीर होती है, सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है। और गंभीर क्यों होती है? क्योंकि इसमें मानवता की पीड़ा को दर्शाया जाता है, जिसमें जो मुख्य पात्र होते हैं उनकी लाइफ में जब गंभीर घटनाएं होती हैं और हो सकता है अंत में उनकी मृत्यु भी हो जाए। द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले, प्ले यानी कि नाटक हिंदी में, या ड्रामा भी उसको इंग्लिश में कहते हैं। सो अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएं जिसकी वजह से जो मुख्य पात्र हैं या तो उनकी मृत्यु हो जाए, ईदर दे डाई और दे आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, या उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, अंत में अंत उनका ऐसा ही होता है, बुरा होता है। अधिकतर वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभी बाहरी तत्व भी होते हैं जो इन परिस्थितियों को पैदा कर देते हैं, किसी के जीवन में त्रासदी ले आते हैं। ऐसे नाटक को इंग्लिश में ट्रेजेडी कहा जाता है, जिसमें मेन जो कैरेक्टर होता है, जिसका शब्द है प्रोटैगोनिस्ट यानी कि मुख्य पात्र, जिसकी जिंदगी पर आधारित वो कहानी होती है, उसमें जब उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो पूरी तरीके से हार जाता है, ऐसी कहानी को, ऐसे नाटक को ट्रेजेडी कहा जाता है। अब पहले तो हम ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। ग्रीक शब्द को पहले समझें। ग्रीस, GREECE, ग्रीस यूरोप में एक छोटा सा देश है, जहाँ की पुरानी सभ्यता बहुत विकसित थी और साहित्य के क्षेत्र में वहाँ के लेखकों ने बहुत काम किया था। और ये ट्रेजेडी लिखने का चलन, राइटिंग ट्रेजेडी, हैज़ कम टू अस फ्रॉम ग्रीस। सो ग्रीक ट्रेजेडीज़ के बारे में संक्षिप्त में हम समझते हैं पहले। द टर्म इज़ ग्रीक इन ओरिजिन, डेटिंग बैक टू द 5th century BC। BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ट्रेजेडी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से हमें मिला है, और संभवतः इसका पहला उदाहरण 5वीं सदी बिफोर क्राइस्ट में देखने को मिला था। BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, 5वीं सदी ईसा पूर्व, ईसा यानी कि जीसस क्राइस्ट के लिए कहते हैं। व्हेन इट वाज असाइंड बाय द ग्रीक्स टू अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ प्लेज परफॉर्म्ड एट फेस्टिवल्स इन ग्रीस। इस शब्द को ग्रीस में ग्रीक लोगों के द्वारा कुछ विशेष, स्पेसिफिक यानी कि विशेष प्रकार के नाटकों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया था, और ये नाटक ग्रीस के त्योहारों पर इनका मंचन किया जाता था।
The local governments supported such plays, and the mood surrounding the presentation of these plays was that of a religious ceremony, as the entire community, along with the grand priest, attended the performances. सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते थे इन नाटकों के मंचन को देखने के लिए, और लगभग हमेशा कोई ना कोई धार्मिक पर्व मनाया जा रहा होता था तब इन नाटकों का मंचन होता था, और बहुत गंभीरता से ये नाटक लिखे जाते थे, इनका मंचन किया जाता था, क्योंकि जो देखने वाले दर्शक थे वो भी उनको पूरा आनंद लेकर देखते थे. दे यूज़ टू एंजॉय वॉचिंग दीज प्लेज. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज वॉज डिराइव्ड चीफली फ्रॉम होमर्स इलियड एंड ओडिसी. नाउ ये तीन शब्द हैं हमारे सामने, होमर, इलियड एंड ओडिसी. सबसे पहले तो होमर पुराने प्राचीन ग्रीस के एक बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं. ही वॉज अ पोएट, और ख़ासियत यह है कि वो पूरी तरीके से अंधे थे, ब्लाइंड थे, लेकिन उन्होंने लंबी लंबी कविताएं, जिनको महाकाव्य कहा गया है, इंग्लिश में महाकाव्य को कहते हैं एपिक, जैसे इंडिया में महाकाव्य दो हुए हैं, रामायण और महाभारत, कुछ उसी तरीके से होमर ने दो बड़े महाकाव्य लिखे, दो एपिक्स लिखे, एक का नाम था इलियड एंड दूसरे का नाम था ओडिसी. तो ये जो ग्रीक ट्रेजेडीज़ का मंचन किया जाता था, अधिकतर इन ट्रेजेडीज़ की कहानी इलियड और ओडिसी से लेकर उनमें पात्र डाल के, उन पात्रों को संवाद देकर, और फिर वो पात्र अभिनय करते थे मंच पर. तो इस तरीके से ग्रीक ट्रेजेडीज़ की शुरुआत हुई. और ये जो होमर की इलियड और ओडिसी, ये जो दो लंबी कविताएं हैं, पोएम्स हैं, महाकाव्य हैं, उनसे जो कहानियां ली जाती थी, विच इंक्लूडेड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ हीरोज़ ऑफ हिस्ट्री एंड रिलीजियस माइथोलॉजी, ये जो कहानियां होती थी वो हिस्ट्री यानी कि इतिहास और पौराणिक कथाओं में से के जो हीरोज़ होते थे उनके लाइफ में आए दुर्घटनाएं या बैड लक या मिसफॉर्च्यून, या मिसफॉर्च्यून को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो बुरा वक्त आता है, उनके बारे में ये कहानियां होती थी. द थ्री प्रोमिनेंट ग्रीक ड्रामेटिस, ग्रीस के जो तीन मुख्य और प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं, पहले हैं एस्किलिस 525 से लेके 456 बिफोर क्राइस्ट में जिए थे, ये उनका जीवन काल है. उनका जन्म 525 BC में हुआ था, उनकी डेथ 456 में हुई थी. दूसरे हैं सोफोक्लीस, जो कि एस्किलाइस के बाद आए, 496 में पैदा हुए, 406 में उनकी डेथ हुई. एंड तीसरे हैं यूरिपिडीज, 480 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ, 406 में उनकी डेथ हुई. तो कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि सोफोक्लीस और यूरिपिडीज तो समकालिक थे, एक ही दौर में दोनों विकसित हुए थे, एस्किलीज उनसे पहले के हैं. एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, नो ट्रेजेडी क्या है इसकी परिभाषा हमारे को एरिस्टोटल ने दी है. एरिस्टोटल, जिनको हम हिंदी में अरस्तु के नाम से जानते हैं, और ये ग्रीक सिविलाइजेशन के, ग्रीक कल्चर के बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और इन्होंने ट्रेजेडी को परिभाषित किया है. उन्होंने, उनकी एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है पोएटिक्स, उस पोएटिक्स में वो कहते हैं, ये अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद है इस परिभाषा का, ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ एडमिरेबल, कंप्लीट, composed of an introduction, a middle part and an ending, and possesses magnitude in language made pleasurable, each
ऑफ इट्स स्पीशीज सेपरेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म बाय एक्टर्स नॉट थ्रू नरेशन इफेक्टिंग थ्रू पिटी एंड फियर द प्योरिफिकेशन ऑफ सच इमोशंस. कहने का मतलब ये है कि ट्रेजेडी में किसी के एक्शन को इमिटेट किया जाता है, यानी कि कॉपी किया जाता है, और जो संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, यानी कि एक उसमें परिचय होगा, कहानी का परिचय दिया जाएगा, एक बीच का भाग होगा कहानी का और एक अंत होगा, एंड उसमें उस कहानी में सब चीज़ बहुत विशाल होती है. उसकी जो भाषा है वो आनंद देने वाली होनी चाहिए, प्लेजरेबल. ईच ऑफ इट्स स्पीशीज सेपरेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स, हर भाग में उसके जो पात्र हैं वो अलग अलग होने चाहिए. इनका मंचन एक्टर्स के द्वारा किया जाना चाहिए. इस कहानी को पढ़कर नहीं सुनाना है, मंचन के द्वारा, यानी कि पात्र हैं, संवाद हैं, डायलॉग है जिसको हम हिंदी में संवाद कहते हैं, पात्रों के बीच एक्शन है, उसके ज़रिए ये कहानी सुनाई जाती है. और कहानी का मकसद ये होता है कि वो देखने वालों के मन में पिटी यानी कि दया एंड फियर यानी कि डर पैदा करे, और इन दो भावों से देखने वालों के भाव इमोशंस प्योरीफाई होते हैं. प्योरीफाई होते हैं यानी कि उनमें स्वच्छता आती है. From the above definition, we can understand the objective of the Greek tragedies, which is the purification of such emotions, also called catharsis. Now, आपने भी ये महसूस किया होगा कि जब आप कोई फिल्म देखते हैं और फिल्म के हीरो या हीरोइन के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो हमारे आंसू आ जाते हैं, और ऐसा जब हम रो लेते हैं तो रोने के बाद हम हल्का फील महसूस करते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो भी घबराहट या परेशानी है वो आंसुओं के ज़रिए निकल जाती है, यानी कि हम स्वच्छ हो जाते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्योरिफिकेशन. और ग्रीक भाषा में इस प्रोसेस को कैथार्सिस कहा जाता है. प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन इज कॉल्ड कैथार्सिस. अब कैथार्सिस का मतलब क्या है? कैथार्सिस इज अ रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन. भावनात्मक अगर आपके अंदर तनाव है तो आंसू बहाकर, रोकर आप उस टेंशन को कम कर सकते हैं आफ्टर एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस. जब कोई बहुत भयावह या बहुत भारी कोई आपका अनुभव होता है और उसके बाद आप रो लेते हैं तो हल्का फील करते हैं. दैट रेस्टोर्स और रिफ्रेशेस द स्पिरिट, और उससे आपकी स्पिरिट यानी कि आपका मन जो है वो रिफ्रेश्ड हो जाता है. ये तो हुई ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में. अब इंग्लिश ट्रेजेडी. शेप्ड ऑन द मॉडल्स ऑफ सेनेका, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी अपियर्ड इन 1561, रिटन बाय थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविले. द प्ले चोज द स्टोरी ऑफ अ ब्रिटिश किंग एंड हिज सफरिंग्स एट द हैंड ऑफ हिज टू डिसोबीडियंट सन्स एज अ सब्जेक्ट मैटर. सबसे पहले इंग्लैंड में 1561 में नाटक लिखा गया था जिसके दो लेखक थे, जिसमें एक अंग्रेजी राजा की कहानी थी जिसको अपने दो बेटे जो उसके कहने में नहीं थे, जो उसकी मुखालत करते थे, उनकी वजह से वो पिता जो हैं वो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और सफ़र करना पड़ता है, यानी कि बहुत पीड़ा भोगनी पड़ती है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्ले लाइज इन द फैक्ट दैट इट ट्रांसफॉर्म द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम मॉरेलिटी एंड मिस्ट्री प्लेज टू द राइटिंग्स ऑफ ट्रेजेडी इन द एलिजाबेथन एरा. इस नाटक के लिखने से पहले इंग्लिश ड्रामा में अधिकतर कुछ सीख देने की दृष्टि से नाटक लिखे जाते थे. पहली बार क्वीन एलिजाबेथ के ज़माने में इस प्रकार के नाटक लिखे जाने लगे जिसमें त्रासदी दर्शाई गई थी. अब कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रेजेडीज़ के, मैं उनके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगी. हम सीधे विलियम शेक्सपियर पे आते हैं क्योंकि विलियम शेक्सपियर हमारे लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं,
हम उनका एक ट्रैजिक प्ले मैकबेथ पढ़ेंगे, उसका विस्तार में डिटेल में अध्ययन करेंगे, इसलिए शेक्सपियर के बारे में जानना ज़रूरी है। शेक्सपियर द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल प्ले राइट्स न्यू द ग्रीक ट्रेजेडी स्टाइल वेल एंड ही यूज सेवरल ग्रीक थीम्स बट मॉडिफाइड देम टू हिज ओन पर्पस। यानी कि वो नाटककारों में से सबसे प्रसिद्ध नाटककार हैं, वो ग्रीक ट्रेजेडी के लिखने के तरीकों बहुत अच्छे से उन्होंने अध्ययन किया था, वो उसको समझते थे, लेकिन उन्होंने उन ग्रीक थीम्स को अपने हिसाब से उनको इस्तेमाल किया। ही इंटेंशनली वायोलेट्स द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड मिक्सेस ट्रेजिक एक्शंस विद कॉमिकल। अगर आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले पढ़ा है जो फर्स्ट ईयर में आपके लिए प्रिस्क्राइब था, और उसके लेखक भी शेक्सपियर हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे उस नाटक को इंग्लिश में कहते ही ट्रेजाई कॉमेडी है। यानी कि उस नाटक में लगभग शुरू से लेके अंत के जस्ट पहले तक जो मुख्य पात्र है एंटोनियो, उसके साथ कुछ बुरा होता चला जाता है, एक के बाद एक उसकी लाइफ में त्रासदियाँ आती चली जाती हैं, लेकिन अंत में सब सही हो जाता है। तो शेक्सपियर ने पहली बार शायद ट्रेजिक एक्शंस को कॉमिकल एक्शंस के साथ जोड़ा था या मिलाया था। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर इंक्लूड, अब उन्होंने जो प्लेज लिखे हैं, हैमलेट, किंग लियर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, ओथेलो, मैकबेथ, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, ये शेक्सपियर के कुछ बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं जो कि सब ट्रैजिक प्लेज हैं, यानी कि त्रासदियाँ हैं जिनके अंत में मुख्य पात्र की डेथ हो जाती है अधिकतर। फिर ग्रीक एंड इंग्लिश ट्रेजेडीज़ में जो अंतर है वो दर्शाया गया है। थीम और प्लॉट की अगर बात करें तो ग्रीक ट्रेजेडीज़ में कोई एक कहानी होती थी, एक थीम होता था, लेकिन इंग्लिश ट्रेजेडीज़ में कई कहानियां जोड़कर एक प्लॉट एक कहा नाटक लिखा जाता था। सब्जेक्ट मैटर ग्रीक ट्रेजेडीज़ में सीरियस सब्जेक्ट होता था, ट्रीटेड इन अ डिग्निफाइड मैनर, गंभीरता से उसका उसको लिखा जाता था, लेकिन शेक्सपियर ट्रैजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स को मिक्स करते थे। फिर कैरेक्टर, ग्रीक ट्रेजेडीज़ में ग्रेट कैरेक्टर्स लिए जाते थे और इंसान होते थे लेकिन वो गॉड के बराबर होते थे, लेकिन शेक्सपियर यानी कि इंग्लिश प्लेज में जो हीरोज थे वो ज़िंदगी के हर पहलू से आने वाले थे। उनका उद्देश्य ग्रीक प्लेज में धार्मिक सीख देने की मंशा थी, लेकिन इंग्लिश प्लेज में उनको ऑफकोर्स रिलीजियस या एथिकल इश्यूज सिखाए जाते थे, बट जो मूल उनका पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, वो था एंटरटेन करना, यानी कि मनोरंजन करना। सो ये ट्रेजेडी के बारे में हमने कुछ जाना है। आप इसको, मैं आपके साथ बाद में नोट्स शेयर करूँगी, आप इसको डिटेल में पढ़ लें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।